वहाँ बंगले में ठाकुर माँ अकेली रहती है पर आपके आने की मनाई है। अब विष्णु हमें भी वहाँ लेके चलिए ना, हम भी तो देखे आपकी शानो शौकत। देखो संभावी, अब वो बंगला बंगला नहीं रहा, वहाँ सब कुछ बदल गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्या आप नहीं चाहते कि ठाकुर माँ मुझे आशीर्वाद दें? देखो शांभवी, तुम्हारी वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर ठाकुर माँ को ये बात पता चली ना कि मैं आ रहा हूँ तो फिर मना कर देंगी। अरे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम वहाँ आ रहे हैं, हम वहाँ चलते हैं और जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें अंदर आने से कोई मना तो नहीं कर देगा। और विष्णु देखिए ना, समय भी कितना अच्छा है, दुर्गा पूजा आने वाली है, परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे। आप नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बस वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूँ मैं किस घर आने में बिहा के आई हूँ। एक काम करते हैं, नीलम और अनय को भी साथ ले लेते हैं, कम से कम वो भी तो देखे कि उनका दोस्त जमींदार है। चलिए ना हमारे लिए। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या हुआ? हाँ? इतनी रात तुम जा क्यों रही हो? विष्णु वो देखो क्या हो रहा है। ये इतनी रात को तालाब पे क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कोई पूजा पाठ चल रहा है, चल के देखें क्या होगा। कोई पुराना रीति रिवाज, हमें क्या करना है? चलो आप सोते हैं। हाँ। मुझे लगता है इससे वो रुक जाएगी। आजकल तो गोरे हर जगह नई सड़कें बना रहे, आप भी कर दी दे दीजिए, यहां भी बन जाएंगी। ठीक है बेटा, तुमने कह दिया हो जाएगी। शांभवी, कुमार, आराम से, शांभवी, तुम भी को। वो वापस आ गई है बेटा। कौन? नई दुल्हन, नवबधू। मतलब? बेटा, तुम सच सच बताओ, मेरे मना करने के बाद भी तुम कभी तालाब के पास गए थे? वो ठाकुर माँ, वो जिस दिन आए थे ना, उस रात को हम दोनों तालाब पे गए थे। बस ठीक उसी वक्त नई दुल्हन ने तुम्हारी दुल्हन को काबू कर लिया। बेटा, तुम्हारे शरीर पर कहीं कोई छाप तो नहीं है? कहीं आप ऐसे निशान की तो बात नहीं कर रही हैं? हाँ, यही छाप,
हे दुर्गा माँ, बेटा नई दुल्हन तुम्हारी तुम्हारी दुल्हन को अपने वश में कर चुकी है बेटा, अब वो कभी भी इसका रूप धारण कर सकती है। नहीं ठाकुर माँ, ये जरूर उस मधुमिता ने किया होगा। वो उस रात में तालाब के किनारे की अजीब सी पूजा कर रही थी। नहीं बेटा नहीं, वो पूजा नई दुल्हन की आत्मा को शांत करने के लिए की गई थी, ताकि वो इस घर के आदमियों को ना मार डाले। ठाकुर माँ, उसकी इस परिवार के मर्दों से क्या दुश्मनी है? और वो है कौन? उस रात मैंने तुम्हें एक बुरी आत्मा के बारे में बताया था, पर एक चीज जो नहीं बताई थी वो शिव। विष्णु के परदादा धीरेन्द्र सिंह बोस ने अपनी माता पिता से बिना इजाजत लिए सयानी नाम की एक मामूली सी लड़की के साथ शादी कर ली थी। सयानी शादी करने के बाद अपने पति के साथ रहना चाहती थी, पति का प्रेम पाना चाहती थी, लेकिन धीरेन्द्र ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसने सयानी को कुछ साल रुक जाने के लिए कहा कि अगली दुर्गा पूजा में अपने माँ बाप से उसको मिलवाएगा, लेकिन वो झूठा था। मैं जानती थी कि तुम मुझे धोखा दोगे, अब मैं सबको बता दूंगी हमारे बारे में, फिर तुम्हें ऐसा सबक मिलेगा। सबक तुमको सीखना चाहिए कि गुलामों का काम राजा का मन बहलाना है, उनके साथ घर बसाना नहीं। तुम्हें कैसे लगा कि तुम्हारी जैसी घटिया औरत के साथ मैं शादी कर सकता हूँ? अब बातें बहुत हुई तुम्हारी, अब यही खत्म होगी तुम्हारी कहानी, और तुम्हारा ये किस्सा इसी तालाब में डूब जाएगा, और मेरी नई दुल्हन डूब गई इस तालाब में। सयानी की आत्मा नई दुल्हन का भेष धारण करके हमारे घर के मर्दों को मारने की कसम खा ली। अगली दुर्गा पूजा को धीरेन्द्र को उसने मार दिया, मेरे बेटे की भी जान ले ली। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ और तुमको यहाँ से भेज दिया था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रुक जाओ। हमें को जाने दो। तू चल मेरे साथ, इसको छोड़ दूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे। नीलम, दर्श करत जन सुख पावे, संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न दीना, अन्न पूर्णा हुई जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी। देखो देखो, इन्हें जाने दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो गलत हुआ था। गलत? धोखा हुआ है मेरे साथ, अब तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, तू मुझे नहीं रोक सकती, इसको मैं लेके जाऊंगी। मैं नहीं रोक सकती, पर ये रोकेगी तुझे। मेरे खून ने धोखा दिया है तुझे, पर इसका दिल साफ है, इसके साथ नारी शक्ति है, इसके साथ प्रेम की शक्ति है, इसके साथ हमारी कुल देवी का आशीर्वाद है। आज इसके अंदर देवी माँ आई है, वो ही बचाएगी इसके पति को तुझे से पूरे साय से। मेरे स्वभाव को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तो जैसी बुरी आत्मा भी नहीं। पू
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।